गाइज, अगर आपके वजाइनल में पिंपल की समस्या हो गई है तो उसे ठीक कैसे करना है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिए और वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो ये समस्या ना ठीक नहीं होने वाली है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सेव कर लेते हैं या वैक्स कर लेते हैं तो उसके वजह से भी ना कुछ एलर्जी हो जाती है, तो कभी कभी पिंपल्स आ जाते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आप सेव या वैक्स करते हैं ना, तो आप जो क्रीम यूज करते हैं उसका एक्सपायरी डेट देख ले, और जब पिंपल हो जाती है ना उस टाइम बिल्कुल भी आपको सेव नहीं करना है। उस टाइम सेव करेंगे ना गाइज या वैक्स करेंगे ना, आपकी जो वजाइनल की पिंपल है ना उसमें बहुत तकलीफ होने वाली है, तो वो चीज नहीं करना है। और आपको क्या करना है, लूज कपड़ा पहनना है। आप अंडरवियर या पैंटी पहनते हैं उसे लूज पहनना, टाइट बिल्कुल नहीं पहनना। अगर टाइट पहनेंगे ना तो पिंपल में क्या होगी, दर्द होगी, सूजन भी हो सकते हैं, तो इसलिए एकदम लूज कपड़ा पहनना है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपको क्या करना है, जब भी आप गाइज नहाते हैं ना तो नहाते वक्त बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत लोग हैं वो गर्म पानी से नहाते हैं, गर्मी या ठंडा हो, तो इसलिए जब भी आप नहाते हैं तो आप नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें। थोड़ी बहुत जलन होती है लेकिन उसे तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन अगर गर्म पानी से आप करेंगे ना गाइस तो बहुत ज़्यादा जलन होगी जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपके आँख में ना आंसू आ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके आँख में आंसू आ जाए, तो आपको क्या करना है, इन बातों को ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, अगर जहाँ पे आपको वजाइनल में फुंसी हो गई है, पिंपल्स हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, उसे बार बार टच नहीं करना है। वैसे में लगता है कि थोड़ा देख लूँ क्या है कैसा है, मैं टच करूँ थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन आपको बिल्कुल भी गाइस टच नहीं करना है। टच करेंगे तो आपकी जो फिंगर या हाथों की इन्फेक्शन है ना उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आप अगर ये सब काम करेंगे ना गाइस तो आप देखेंगे थोड़ा बहुत टाइम लगती है, 2 से 3 दिन में आपके जो वजाइनल के पिंपल है ना वो छूमंतर गायब हो जाएगी। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा हो गई है तो घर में नहीं बैठना है, चले जाना है अपने डॉक्टर के पास, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताना है। सो लव यू एंड बाय बाय।